तो जी होने जा रहा है मैं छुंचा का फर्स्ट बात। बेबी ज्यादा मत रगड़ना, बहुत इमोशनल हो रही हो। और अरे आंखों में आंसू भी हैं, पता है दिख नहीं रहे होंगे। एसी बंद कर दो, ठंडी ना लगे इसलिए। कुछ भी हो सकता है, मतलब तो कुछ भी हो सकता है। लगने तो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। नहीं तो जा रही है, कुछ भी कैसे हो सकता है। तो कुछ भी कैसे हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग उठ चुके हैं और आपको मैं बता दूं, शायद दो तीन दिन पहले की घटना है और आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता है। एक बार मैं बता देता हूं, मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं बताया। पहले मिल लो मेरी बेबी से। अभी उठी है guys, बेबी की छह चाय हो चुकी है, सातवीं आ रही है। नहीं नहीं, दूसरी चाय है। और ये रहा मेरा नाश्ता, अंडा और साबुदाना। और आपको मैं दिखा दूं, यहां पर एक ड्रॉर हुआ करता था जैसे उस कोने में। और ये ड्रॉर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ड्रॉर था, आपको दिखा देता हूँ। ये हटाया मैंने यहाँ से, और वो ड्रॉर हवा में लटका हुआ था, जैसे हवा में होते ड्रॉर। और रात को अचानक से वो ड्रॉर जमीन पे गिर गया, टूट के उसके अंदर का इतना सारा सामान टूट गया। छुन्ना बहुत बुरी डर गई और हम लोग बाहर से भागते हुए आए तो देखा भाई ये क्या कांड हो गया। ड्रॉर इन शॉर्ट टूट गया है। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। वो धीरे धीरे अपना जो चिपकाई था ना, चिपकाई छोड़ रहा था, मतलब गोंद से बाहर आ रहा था। गोंद लगी होगी हल्की वाली, लेकिन अब तो काफी टाइम भी हो गया ना इस रूम का इंटीरियर कराए हुए। 10 साल हो गए। नहीं सॉरी, सॉरी पगला गए हो। पाँच साल क्या हुआ है तुम्हें? पाँच साल कैसे हो गए? 6 साल वाली शादी से हुए, शादी के बाद हुआ है ना इसका रूम का इंटीरियर? तो बिल्कुल शादी वाले साल ही हुआ है, 2016 में ही। जब तुम मेरे को छोड़ के विपासना चले गए थे। हाँ, ये तब बोल सकते तुम विपासना चले गए थे, छोड़ के बोलने की जरूरत नहीं। मुझे छोड़ के गए थे विपासना, तब हुआ था इस रूम का इंटीरियर। ठीक है, अब बात सारी ये है कि ये सब कुछ जो है ये वाला मेरे पर है करना, संभावना के ऊपर है। एसी दीवार छोड़ रहा है, प्लाई चटक चुकी है, दीमक लग चुकी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और ये है कि भाई बारिशें इस साल जल्दी आने वाली हैं। और अब हम इस असमंजस में हैं कि बारिशों के बाद कराएं या बारिशों से पहले। पहले कराएंगे तो फिर से नमी आ जाएगी, फिर से सीलन आ जाएगी। मुझे कुछ और भी बोलना था। बोलिए। ये तो इस रूम की बात है, वो रूम का तो पूरा ही कुछ टूट चुका है। उस रूम का वार्डरोब भी टूट चुका है, मतलब टूट गया, बाहर आ गया दीवार से। हाँ, ना वो इधर को जा सकता ना वो उधर को जा सकता। सो आई रियली डोंट नो। मैंने अपनी इंटीरियर वाली को आज बुलाया है, जो लड़की ने कुछ काम किया था हमारे घर का, जो हमें बहुत पसंद आया था, तो छोटा मोटा काम किया था उसको। आई एम गोना मीट हर और आई एम गोना चेक विद हर कि क्या ये सामान बाहर से ही बन के आ सकता है, मतलब वो अपने ही कारखाने में बना के और सीधा इसको ला के लगा दे। फिट कर दे। अरे यार, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती घर के अंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये क्या तुमने सोचा इधर? और पीट पीट पीट, ये थपकी दे रहे हो बीबी। शाबाश शाबाश, ये बीबी को इनाम मिला है। शाबाश शाबाश, बीबी को मिलेगा बैग अच्छा वाला अगर कर दिया तो। हाँ, अरे अरे पहले नहीं मिलेगा बैग, इतना कुछ मत हो, पहले करना है वो। तब मैं तुम्हारा मुंह देख के लग रहा है कि अभी मिल रहा है बैग, उसके बाद करना है। अब मैं भी तुमसे महंगा बैग नहीं लूंगा। मेरे पास इनफ ब्रांडेड बैग्स हैं, ब्रांडेड तो मैं लूंगी नहीं, मैं लूंगी ऐसे आड़े तिरछे। आड़ा तिरछा तो खैर नहीं है वो, आड़ा तिरछा तो ठीक है ना, बस स्मार्ट बैग है। बट उसके साथ कपड़े प्लेन पहनने चाहिए, उसके साथ आप भी इंद्रधनुष बन जाओगे तो कैसे चलेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो छोटा बच्चा है चुनचुन, हमारा छोटा बच्चा खेलने के लिए इतना लालायित है कि कल किसी ने यहाँ पर पॉटी कर दी थी तो पॉटी उछाल के खेला है। किसी ने, मतलब तुमने या मैंने थोड़ी कर दी थी। हाँ, मतलब तो बच्चे को खिलौना नहीं मिला, बच्चे ने देखा पॉटी पड़ी हुई है। इसने क्या किया? अच्छा, पंजा लगाया। इसने देखा कि ये क्या चीज है, कि कुछ पड़ा है। इसी ने किया, ऐसे पड़ा था तो इसने क्या किया, ऐसे किया। अच्छा। तब तक मैंने इसको पकड़ लिया, ये क्या कर रही है तू? तो बच्चे को टॉय दे दो ना यार, पॉटी से खेल रहे हैं हमारे घर के बच्चे। टॉय के मैं क्या करूँ, अपना धड़ काट के दे दूँ क्या टॉय के नाम पे? उधर ऑफ। तो दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ और मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ, इट्स बीन 6 months कि ये छोटी कुत्ती पे कोई पानी नहीं पड़ा है, मतलब इसको पता ही नहीं कि बदन पे पानी पड़ने का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट ये नहा ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि चुंची की ग्रूमिंग, मतलब चुंचा की बात और मेरी ग्रूमिंग साथ में ही हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में ही नहा रहे हैं, इसको तो नहलाना है, लेकिन इसके पहले मेरी ग्रूमिंग होनी चाहिए। और इतनी गर्मी में बाहर जाऊं ये मेरे बस की बात नहीं है, पता है कितनी गर्मी हो रही है बाहर। हाय गर्मी गर्मी। मैं नहीं करने वाली, मैं घर पे बैठ के अपनी ग्रूमिंग कराऊंगी। और इसके लिए मेरी बेबी ने घर पे अपॉइंटमेंट बुक करी है मेरे लिए फ्रॉम स्किन्जी, क्योंकि स्किन्जी बेस्ट है। तो मैंने सोचा लेजर हेयर रिडक्शन ट्राई करते हैं। 6 to 8 लेजर सेशंस में 90% तक हेयर ग्रोथ कम हो जाती है।
लेजर हेयर रिडक्शन कौन कौन से बॉडी पार्ट पे कर सकते हैं? सभी हर बॉडी पार्ट पे होता है, जैसे अंडर आर्म, बिकिनी, हैंड्स, लेग्स एंड अपर लेग्स। दोस्तों, दिस लेजर प्रोसीजर इज पेनलेस। स्किन्जी हैज एन एडवांस्ड आई स्कूल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आप भी बुक करिए अपना लेजर हेयर रिडक्शन का अपॉइंटमेंट नाउ विद स्किन्जी। और अब नहलाएंगे कुत्ती, छोटी वाली कुत्ती, भारी घूम रही है हमारी कुत्ती। तो जी होने जा रहा है मैं चुंचा का फर्स्ट बार। बेबी ज्यादा मत रगड़ना, बहुत इमोशनल हो रही हो। और हल्का आंखों में आंसू भी हैं, पता दिख नहीं रहे होंगे। हल्का हल्का पानी डालना बेबी, एसी बंद कर दो, ठंडी ना लगे इसलिए। कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लगने दो। ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं? हां नहीं तो जा रही है। तो कुछ भी कैसे हो सकता है? तो कुछ भी कैसे हो सकता है? नहाने तो जा रही है, यही रखो टॉवल। इतना कौन सा बड़ा काम करने जा रही है? आज तक पता है सबके मजे लेती रही है, आज तक इसे सबके मजे लिए है। क्यों कुकुर आ रहा है? कुछ 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 चिन चिन ऐसे करते थे, चिन 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 चिन। अब आइए इसकी बारी। इसको कुछ पता नहीं है बीवी, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसको कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं। इसको नहाना बताते हैं, इसको नहाना बोलते हैं, ये नहीं पता इसको। चलो अब इसका पहला बात है ना, तो ऐसे रिएक्ट करना कि इसके अंदर डर ना बैठे नहाने का। बैठ गया तो गड़बड़ है। अरे अरे भागा थोड़ी, अरे अभी से क्या हुए? अच्छा नहीं क्या हुए पापा? बबली चेंज मैंने कर लिया है, जैसे कि आप पजामा देख रहे हैं। चुंचा को बहुत प्यार प्यार से, क्योंकि पहली बार बात है, मजाक की बात नहीं है, पहला नहाना जिंदगी का। पता ही नहीं कि उसके ऊपर पानी जाएगा, जो पीती है वो उसके ऊपर जाएगा, तो उसके लिए भी एक धक्का है ना, तो हम धक्का नहीं देंगे इसको। आप मिले बब्बा, दरवाजा बंद कर दूं? नहीं भाग जाएगी। चिंचा पापा भी यही है, डरना नहीं है, ठीक है? ठंडा ऐड करना है। चिंचा मम्मा पापा दोनों हैं आपके साथ, डरना किस बात का? पानी चेक करो पहले, ठीक है? परफेक्ट है। हाँ तुम भी देख लो, मेरे को भी डर लगता है बहुत, पहली बार नहला रही उसको, ठीक है? गरम है बेबी, गरम है, गरम है। मेरे बेटे पापा की परी है ना, इधर बैठ के आज ना, ये चिंचू को पता भी नहीं चलेगा। पहले पीछे डालो पानी, पहले सर पे मत डालो। अरे रे रे अरे पी रही है पानी साथ के साथ। अगर ये पहली बार में बेबी डर के डर गई ना, हाँ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, हमारे पास नासूर रहेगी फिर। ये चिंचा एंजॉय। ये देखो पानी, ये देखो, धीरे धीरे डालोगे तो डरेगी ना। ये देखो पानी, ऐसा लग रहा है तलवार है। मेरा बाबू तो एकदम ब्रेव गर्ल, ब्रेवी ब्रेवी गर्ल। तो बेबी आज वो ना करें क्या, शैम्पू वैम्पू ना लगाएं क्या? शैम्पू पहला नहाना है तो फिर उसको ठीक तरह से करना पड़ेगा। ओ चिंचा, चिंचा का शैम्पू भी मम्मा ने अच्छा हाथ में लेके और बिल्कुल पता ही नहीं लगने दिया चिंचा को बिल्कुल। और चिंचा पता है कितनी गोरी है, आज सबको दिखेगी मेरे चिंचा कितना गोरू गोरू। आज तो एकदम व्हाइट हो जाएगी ना आके। हाँ मेरी बबली वैसे भी सफेद थी, मेरा बच्चा है इतना प्यारा कि कोई जानता ही नहीं है इस बात को, है ना चिंचा? नहीं नहीं करेगा, ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहीं करेगा चिंचा। वेरी गुड चिंचा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ओके गुड गर्ल। उसको अप्रिशिएट करो, उसको अप्रिशिएट करो बेबी। गुड गर्ल चिंचा, वेरी गुड गर्ल चिंचा, इतनी गुड गर्ल है, मेरा बच्चा इतना गुड गर्ल है कि खुद कम नहा रहा है, मम्मा को ज्यादा नहला रहा है। गुड गर्ल, वाओ, ये वाओ चिंचा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बेबी इसी में इसको खुश करना है, अगर ये पहली बात में डर गई ना बेबी, हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। अच्छा मामा, छोटे मामा का, और पता है चिंचा को हमने जो शैम्पू लगाया ना, वो चिंचा के लिए एकदम उसके आंख पे भी नहीं लगेगा, पता है? ओके अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है मामा, पता नहीं है ना, पता नहीं है हमको कि नहाते वक्त उसको पानी को पीना नहीं है। चिंचा यू डूइंग अ ग्रेट जॉब,
चिंचा, वेरी गुड। ओह माय गॉड, वाओ, क्या हो गया? बाप बाथरूम के अंदर बैठा है, माँ भीगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे बैठा हूँ। ये देखो दरवाजा बंद करके यहाँ पे मैं बैठा हूँ और यहाँ चुनचन आ रही है। इसको बाहर सुखाने दोगी या यहीं सुखा दोगी? थोड़ा ठंडा पानी डालना है क्या इसको? क्या मजा आएगा? चुनचन आ जा, मेरी मम्मा तो वो करेगी ना। वेरी गुड, पहली बार पानी झटका। ये क्या कर दिया? सुखाओगे क्या? नॉर्मल कर दो। गुड गुड चुनचा, यू डिड अ फैबुलस जॉब। वेरी गुड गर्ल। गुड गर्ल। चलो आ जाओ जी, सबको दिखाएंगे चैरी कोको। चैरी कोको की चुनचा नहा गया ये। हम लोग नहाने नहाने किया, चुनचा ने सबको दिखाया। बेटे एसी बंद कर, चुनचा को तो कांप जाएगी। एसी बंद करो, एसी पॉटी निकल जाएगी। देखो भाई कौन नाई नाई करके आया है, देखो भाई कौन नाई नाई करके आया है। चेरू कौन है, कैसे देख रही है चेरू? ये देखो क्या हुआ? वो देखो, वो अपनी बेटी को देखना है ये। हाँ। नाई हुई, दोनों चेक करने हैं उसको। हाँ इसका पहला बात है ना, अच्छी तरह से अच्छी तरह से क्या कगड़ा कगड़ी क्या रगड़ देंगे। अच्छा अम्मा की एकदम गुड गर्ल है जो बिल्कुल नहीं डरी है। आप तो चेरी सबसे ज्यादा डरते थे है ना, लेकिन कैंडी नहीं डरी। ओ मतलब चुन चुन नहीं डरी। अरे कैसे इन्होंने मेला लगाया पास में देखने के लिए। ओ गुड गर्ल, गुड गर्ल। एक ट्रीट देना, छोटी सी ट्रीट देना, जल्दी ट्रीट लाइए ना। चुनचा मिल गया ट्रीट। ट्रीट देके बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बोलूंगी जिनके भी पपीज की फर्स्ट बात है ना, एटलीस्ट उनको अप्रिसिएशन के नाम पे ना आपको ट्रीट्स देनी चाहिए, सो दैट उनको लगे कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, वो डरे नहीं। चलो गुड गर्ल, गुड गर्ल चुनचा इज अ गुड गर्ल। चलो सुनो, उसका तो फर्स्ट बात है, उसको तो दे दिया, ये क्यों मलाई मार रहे हैं यहाँ पे? इनको नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। तुम कौन सी फर्स्ट बात है तुम्हारी, ये आके उसको चेक करी है दोनों। तो जी हमारी छुन्ना का बात हो चुका है, एकदम गोरी गोरी हो चुकी है, उसको सुखाया जा रहा है, आधा घंटा हो गया सुखाते सुखाते, सूख नहीं रही। छुन्ना ने बहुत एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया छुन्ना का फर्स्ट बात। एंड आई रियली होप दैट यू लव दिस वीडियो, आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव दिस वीडियो, जो भी पेट लवर्स है। तो हम लोग आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप लोग लेजर हेयर रिडक्शन बाय स्किन्ज़ी जरूर ट्राई करें, बिकॉज इट्स एन एट होम सर्विस, डर्मेटोलॉजिस्ट बैक्ड एंड एन एब्सोल्युटली पेन फ्री सर्विस। Link is in the description box. Book now.